विद्युत समस्याओं को लेकर देवेंद्र नगर ब्लॉक कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आज देवेंद्र नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद शुक्ला के नेतृत्व में विद्युत समस्याओं को लेकर विद्युत कार्यालय के सामने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन कार्यक्रम में विद्युत विभाग की समस्याओं को लेकर देवेंद्र नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद शुक्ला संतोष ने विद्युत की समस्याओं के बारे में, जिसमें बढ़े हुए विद्युत बिलों के दामों की समस्या, अघोषित विद्युत कटौती और जिस ग्राम पंचायत में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उन ट्रांसफार्मरों को समय पर नए बदलने के बारे में एवं किसान सब्सिडी किसानों को दिए जाने के बारे में जानकारी दी। निम्न मांगों को लेकर अधिकारी श्री सक्सेना को अवगत कराया गया एवं शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन के माध्यम से विद्युत समस्या को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को अनुपस्थिति में राजस्व अधीक्षक के शर्मा को ज्ञापन इस ज्ञापन कार्यक्रम में देवेंद्र नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद शुक्ला, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष राम बहादुर द्रिवेदी, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव, मंडलम अध्यक्ष अमरनाथ त्रिपाठी, समाज सेवी तुलसीदास त्रिपाठी, राजेंद्र श्रीवास्तव, प्रहलाद सिंह यादव, संतोष अग्नोत्री, पुष्पेंद्र शर्मा के साथ साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देवेंद्र नगर से संतोष अग्नोत्री की रिपोर्ट।